गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? लास्ट वीडियो में हमने आपको पढ़ाए थे इनविटेशन, और इनविटेशन में आपने सबसे पहले वीडियो में समझ लिया होगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दो प्रकार के इनविटेशन थे, और उन इनविटेशन के अंदर क्या क्या रूल थे उनके, वो आपको मैं क्लियरली बता चुका हूँ। तो देखिए, आपने इनफॉर्मल जो रिप्लाई थे वो तो समझ लिया होगा इससे पहले वीडियो में, और अब हम आपको बताने जा रहे हैं इनफॉर्मल इनविटेशन रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग या डिक्लाइनिंग और एक्सेप्टिंग के दो एग्जांपल हम क्लियर करेंगे। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए। और साथ में एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें ताकि ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आपने वीडियो को बीच में छोड़ दिया या कहीं रोक दिया इसको, तो ये आपके टॉपिक जो है क्लियर नहीं होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले बताया था एक बात यहां पर छोटी सी, कि जो फॉर्मल होते थे वो तो आपके थर्ड पर्सन में लिखे जाते थे, बट इनफॉर्मल इनविटेशन होते हैं वो आपके फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन आई वी एंड यू जो होते इनके अंदर आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले, और मैंने एक बात बताई थी कि इनफॉर्मल में सबसे पहले सेल्फ एड्रेस लिखा जाता है, फिर सिटी का नाम, सिटी के बाद सॉरी डेट, डेट के बाद सैल्यूटेशन वर्ड, सैल्यूटेशन के बाद मैन मैसेज, और एंड में सिग्नेचर करनी पड़ते हैं। सिग्नेचर का मीन होता है नाम, और फॉर्मल जो इनविटेशन था उसके अंदर हमें सिग्नेचर नहीं करना पड़ता था। यहां पर सबसे पहले ये देखेंगे हम, यू आर रानी ऑफ 10 आवास विकास जयपुर। सबसे पहले यहां पर हमारा नाम दे दिया, फिर हमारा एड्रेस दे दिया, सिटी का नाम आ गया, एंड हैव बीन इनवाइटेड बाय योर फ्रेंड सपना, जिसने इनवाइट किया है उसका नाम भी आ गया। और फिर देखिए ओकेजन को चेक कीजिए, ओकेजन क्या है, सिस्टर्स एंगेजमेंट, और सिस्टर्स एंगेजमेंट के यहां पर आप डेट देखिए और टाइम, और उसका वेन्यू मींस प्लेस वो भी बता दिया गया है कि कहां है। अब हमें ये देखना है राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्ट देंगे रहे इनविटेशन, इट मींस हमें एक्सेप्ट करते हुए इस इनविटेशन का रिप्लाई देना है। तो सबसे पहले वही आपको क्या बनाना पड़ेगा, यहां एक बॉक्स इस तरीके से, और बॉक्स में नीचे के लाइन आप पहले ड्रॉ नहीं करें, बिकॉज मालूम नहीं आंसर हमारा कहां तक जाइए। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम एड्रेस राइट करेंगे, और एड्रेस किसका, हमारा, जिसका नाम दिया गया है, इस लड़की का नाम दिया गया है। तो यहां है 10 आवास विकास, आवास विकास और जयपुर, ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइन थोड़ा है, यहां सिटी के नेम के नीचे एक लाइन स्पेस छोड़ दीजिए, और अब डेट लगानी है। तो सर डेट तो हमारे पास वैसे तो दी हुई नहीं है कि कौन सी डेट लगाए, तो 27 नवंबर किसकी डेट लगाई गई है, फंक्शन की, ओकेजन की। तो आप यहां पर राइट कर सकते हैं 20 नवंबर 2020। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब आपको राइट करना है सैल्यूटेशन वर्ड, फिर आप एक लाइन खाली छोड़ करके यहां लिख सकते हैं डियर सपना, आपके जिसके फ्रेंड का नाम, यहां पर कोई अंकल होता तो डियर अंकल, जब नाम दिया गया है तो आप यहां नाम डायरेक्ट लिखेंगे। अब आती है बात मैन मैसेज की, तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे आई एम वेरी ग्लैड टू बी इनवाइटेड बाई यू, आई एम वेरी ग्लैड टू बी इन्वाइटेड बाई यू, किसके लिए, एट हर था यहां पर, तो मैं लिखूंगा यहां पर एट योवर सिस्टर्स, अरे सर आपने तो यहां योवर लिख दिया, यहां तो हर है, तो मैं बता दू वहां वो हमने थे, लेकिन यहां पर तो हम खुद लिख रहे हैं, तब तो हम योवर ही लिखेंगे यहां पर, एट योर सिस्टर्स एंगेजमेंट।
अब इन्वेस्टमेंट कब है वो डेट देखिए, सबसे पहले इसके अंदर क्वेश्चन से लीजिए, ऑन 27 नवंबर 2020। आगे टाइम भी दे रखा है, ध्यान हो तो क्वेश्चन के अंदर देखिए, एट 4 PM एट रेजिडेंस भी दे रखा है यहां पर, प्लेस इट मींस वेन्यू एट, अब योवर आएगा एट योवर रेजिडेंस, एट योर रेजिडेंस, और टाइम भी आ गया। इतनी बात हो गई, हमें एक्सेप्ट करना है इनविटेशन को। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले भी हम यहां पर ग्रीटिंग वर्ड्स जरूर यूज करेंगे। हम यहां यूज करेंगे एक लाइन, हियर आर माई वॉर्म विशेस, हियर आर माई वॉर्म विशेस या बेस्ट विशेस, कॉन्ग्रेचुलेशन, कई तरह। अब हम लिखेंगे इसके अंदर एक लाइन और अटैच कर सकते हैं यहां पर, आई एम आई विल डेफिनेटली, आई विल डेफिनेटली कम इन दिस फंक्शन, कि मैं इस फंक्शन में निश्चित रूप से आऊंगी, आई एम ईगरली वेटिंग ऑफ दिस डे, कि मैं इस दिन का बड़े उत्सुकता से इंतजार कर रही हूं। ओके, इतनी बात हो गई। अब हमें यहां पर सबसे एंड में मैसेज का काम हमारा, मैसेज का काम हमारा कंप्लीट हुआ, और एंड में हम यहां पर लिख देंगे योवर, योवर्स सिंसेरली। अब जो हमारा नाम था ये हमारा सिग्नेचर के रूप में यहां आ जाएगा, जिसे हमें बोल रहा था सिग्नेचर, इट मीन्स हमें वैसे नाम ही लिखना है। सिग्नेचर का मतलब ये नहीं कि आपने यूं करके ऐसे साइन कर दिया, इस तरह से साइन नहीं करना है आपको, क्या लिखना है, नाम, और फिर इसको पूरे को एक बॉक्स में इस तरीके से बंद करना है, और बंद करने के बाद ये हमारा एक 4 नंबर का मार्क्स 4 वर्ड लिमिट इसकी ध्यान रखिएगा आप 50 ये कंप्लीट होता है। और इस तरीके से अगर आप करोगे तो एग्जाम में आपके ये 4 नंबर आपको पूरे मिल सकते हैं। एक ये फर्स्ट वाली लाइन है, आपको मैं बता दूं ये कई तरह से यूज होती है, कोई किस तरह से यूज करता है, कोई किस तरह से, जरूरी नहीं आपके टीचर्स ने कोई दूसरी लाइन लिखाई हो तो आप उस लाइन को भी यूज कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने टीचर्स का यूज नहीं करें, क्योंकि सबके जो सेंटेंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मीन उनका सेम ही निकलता है सबका। यहाँ पर आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कर देते, या फिर थैंक यू फॉर योर काइंड इनविटेशन, या आई एम सो हैप्पी टू रिसीव योर इनविटेशन, कई तरह के लाइने। ओके, जस्ट इसके नेक्स्ट हम इसका सेकेंड एग्जाम्पल, और वो है डिक्लाइनिंग का, वो भी हम क्लियर कर लेते हैं अभी इसी। यस स्टूडेंट्स, तो देखिए आपके सामने एक सेकंड इनफॉर्मल रिप्लाई का, हमारे डिक्लाइनिंग का एक सेकंड एग्जाम्पल, और देखिए आप जो इनविटेशन हम आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा रहे थे, तो यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चन दिया गया है कि यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम योर फ्रेंड दिनेश, यहाँ पर फ्रेंड का नाम आ गया, और यहाँ टू अटेंड द इनॉग्रेशन सेरेमनी, ओकेजन जो था उसका नाम भी आया है, ऑफिस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ये देखिए ये जो ओकेजन है वो किसके लिए था, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, और कब है ये, ऑन 22 मई 2020 at 10 AM एट चित्तौड़गढ़, ये शहर का नाम भी दे रखा है यहाँ पर। ऑनरेबल मिस्टर एस कृपलानी MP ऑफ चित्तौड़गढ़ विल इनॉग्रेट, इट मीन्स जो ऑनरेबल मिस्टर एस कृपलानी है वो इसका उद्घाटन करेंगे। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इनविटेशन, तो आइए हमें क्या करना है, इसका रिप्लाई देना है, और रिप्लाई डिक्लाइन करते हुए इट मींस हमें ये इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करना है। तो देखिए आप लोगों के सबसे पहले आप वही बॉक्स बनाएंगे और इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहां पर हमारे पास कोई एड्रेस नहीं तो हम अपने मन से लिख देंगे यहां कृष्णा विहार,
जयपुर। फिर बात आती है सैल्यूटेशन यहाँ पर डेट की, तो डेट यहाँ पर 22nd मई है, तो हम यहाँ पर डेट लगाएंगे 15 मई, बिफोर डेट, बिकॉज इनविटेशन जो हमारे पास आता है वो बिफोर आएगा प्रोग्राम से, और उसका जो रिप्लाई देंगे हम उसके थोड़े दिन बाद। यू सपोज मान लीजिए कि इनविटेशन हमारे पास जो आया हुआ है वो 15 मई से भी पहले का आया हुआ है, और हम 15 मई को उसका रिप्लाई दे रहे हैं 15 मई 2020। अब नेक्स्ट देखिए यहां पर सैल्यूटेशन वर्ड, तो यहां जो फ्रेंड का नाम दे रखा है वो डियर दिनेश, ये नाम आ गया। अब बात करते हैं हम मैन मैसेज की, तो मैंने आपको बताया था एक तो इनफॉर्मल रिप्लाई देते वक्त ध्यान रखिएगा कि ये फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन इन दो में चलता है। दूसरी चीज सेल्फ एड्रेस आपका ऊपर लिखा जाता है सबसे ऊपर, डेट लगाई जाती है यहां पर ध्यान से देखिए, फिर सैल्यूटेशन वर्ड आ गया। अब बात आएगी आपके मैसेज की, तो मैसेज मैन मैसेज, तो आपको लिखना है आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी दैट योर ड्रीम ऑफ ओपनिंग एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैज कम ट्रू, मीन्स कि मैं बहुत खुश हूं कि आपका जो सपना है, आपका जो सपना जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी का ओपनिंग का वो सच हो गया है। और अब आगे लिखिए यहां पर कि आई एम वेरी हैप्पी टू नो, और मुझे ये जानकर के भी बड़ी खुशी है, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट मिस्टर एस कृपलानी एमपी ऑफ चित्तौड़गढ़ विल इनोग्रेट इट। इट मीन्स ये इट हमने फंक्शन के लिए यूज कर लिया कि इसका उद्घाटन करेंगे, कि मुझे ये जान करके भी बड़ी खुशी है। बट यहां देखिए फुल स्टॉप लगा दे, बट रिग्रेट दैट आई वुडंट बी एबल टू अटेंड इट, लेकिन मुझे दुख है कि मैं इसको अटेंड करने के योग्य नहीं हूं ड्यू टू सम अर्जेंट बिजनेस, ड्यू टू सम अर्जेंट बिजनेस आई विश यू एवरी सक्सेस, मैं आपकी प्रत्येक सफलता के लिए कामना करता हूं। इस तरीके से ग्रीटिंग वर्ड जरूर हमें राइट करना है, चाहे आप एक्सेप्ट कर रहे हो चाहे डिक्लाइन कर रहे हो, दोनों में से कोई सा भी। और एंड में यहां पर आपको सिग्नेचर, जो नाम बताया था सिग्नेचर के लिए बोला था, तो सिग्नेचर स्टूडेंट आपको यू नहीं करना है कि आपका नाम यहां पर आ गया तो यहां लिख दिया आपने कृष्णा, इस तरीके से लिख दिया, ऐसे सिग्नेचर नहीं करना है आपको। सिग्नेचर यहां पर अपना सिर्फ नेम लिखना है, तो योवर्स सिंसेयरली, और यहां लिख देंगे आप इसके डाउन में कृष्णा, ये नाम हो गया आपका। और उसके बाद कंप्लीट इसको एक बॉक्स में बंद करना है, और स्केल से कीजिएगा बिकॉज क्योंकि ये हमारे पास तो विदाउट स्केल वर्क था। और अब हम आपको बता दें कि ये तो जो हुआ हमारे इनविटेशन का टॉपिक।